राजमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 1.5 कप राजमा लिया है, जिसको मैंने 5 to 6 आवर्स सोक कर लिया है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये दो प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। नेक्स्ट मैंने ये दो टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। नेक्स्ट मैंने ये अदरक लहसुन ले लिया है, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। नेक्स्ट ये हींग लिया है। नेक्स्ट ये हींग लिए, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक एज पर टेस्ट, एंड ये मेन इंग्रेडिएंट है राजमा मसाला और ऑयल। नेक्स्ट हम प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। नेक्स्ट हम हींग और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद आप इसमें ये बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ये अदरक और लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। नेक्स्ट इसमें हम ये बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। आप इसमें प्याज की प्योरी भी यूज कर सकते हैं। प्याज अच्छे से भुन गई है। नेक्स्ट अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और ये राजमा मसाला, और इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर ये तेल ना छोड़ दें। आप चाहें तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के प्योरी भी बना सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी अच्छे से रेडी हो गई है। नेक्स्ट अब हम इसमें राजमा ऐड करेंगे। नेक्स्ट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें अब ये पानी ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे बंद करके 5 to 6 whistle आने तक और कुक करेंगे। 5 whistle आ चुकी हैं, प्रेशर कुकर एकदम ठंडा हो गया है। नेक्स्ट अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और चेक करेंगे कि राजमा रेडी हुआ है या नहीं। ये देखिए हम इस तरीके से दबा के देख लेंगे, राजमा अच्छे से गल गया है। अगर राजमा अच्छे से नहीं गले तो आप 1-2 whistle और लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। गार्निश करूंगी मैं इसे थोड़े से क्रीम के साथ। प्रेशर कुकर राजमा डन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज़।